सब उन चुनिंदा जीवों में शामिल है जिसका अस्तित्व डायनासोर युग से चला आ रहा है। सब पानी या पानी के बाहर दोनों जगह में पाया जाता है। विश्व में सांपों की 3000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सांपों से जुड़े बहुत सी ऐसी बातें और रोचक तथ्य जो हमको जानना बहुत जरूरी है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कुछ सांपों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। क्या दोस्तों आप जानते हैं विश्व का सबसे छोटा सांप कौन सा है? विश्व का छोटा सांप थ्रेड स्नेक, मतलब हिंदी में इसको धागा सांप कहते हैं, कैरिबियन सागर के सेंट लुसिया, मार्टिनिस तथा बारबाडोस के द्वीपों में पाया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर होता है कि अत्यंत पतला सांप है। 10 से 12 सेंटीमीटर तक यह सांप लंबा होता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा सांप कौन सा है? दुनिया का सबसे लंबा सांप है पाइथन रेटिकुलेटस, जो कि 30 फीट तक लंबा हो सकता है। दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि सांपों के शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है? दोस्तों आप जानते हैं कि सांप भोजन को चबाकर नहीं खाता है बल्कि इसे साबुत निकल जाता है। अधिकांश सांपों के जबड़े इनके सिर से भी बड़े शिकार को निगल सकने के लिए बने होते हैं। उदाहरण के लिए अजगर के सांप अपना मुंह 150 डिग्री तक खोल सकते हैं। कि आपको पता है दुनिया में सांपों की 3000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से लगभग 20% प्रजातियां में जहरीले होते हैं। भारत में सांपों की करीब 300 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 50 प्रजातियां ही जहरीले होती है। दोस्तों न्यूजीलैंड, आइसलैंड तथा अंटार्कटिका ऐसे देश है जहाँ सांप बिल्कुल नहीं पाए जाते। दोस्तों आप सांपों से डरते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती है। दोस्तों आपको पता है अमेरिका ने किंग्सविले स्थित नेचुरल टैक्सिस रिसर्च सेंटर के अनुसार दुनिया के सबसे घातक सांपों में पाए जाने वाले जानलेवा जहर का इस्तेमाल भविष्य में कैंसर की दवा बनाने के लिए हो सकता है। विश्व भर में कई प्रयोगशाला में चल रहे प्रयोगों से पता चला है कि कुछ सांपों के जहर में खास किस्म का कंपाउंड पाया जाता है जो मानव शरीर के भीतर कैंसर की जड़ माने जाने वाले ट्यूमर की वृद्धि पर पूर्ण विराम लगा देता है। दोस्तों पानी में रहने वाले सांप अपनी त्वचा से कुछ मात्रा में सांस ले सकते हैं जिससे कि वो शिकार की तलाश में पानी में देर तक रह सकते हैं। क्या दोस्तों आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा सांप है जिसके सिर पर दो सिंह होते हैं? दोस्तों यह सांप दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है जिसका नाम हार्नर्ड वाइपर है। क्या दोस्तों आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा सांप है जो बहुत ही खतरनाक है? यह सांप अफ्रीका में पाया जाने वाला ब्लैक मांबा है। इस सांप ने जितने लोगों को काटा है उनमें से 99% लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों सांप साल में 2-3 बार अपनी त्वचा बदलते हैं। इस क्रिया को केचुल उतरना कहते हैं। यह प्रक्रिया कई दिनों में पूरी होती है। दोस्तों आप जानते हैं कि सांप सपेरे की बीन की धुन से नहीं बल्कि उनके हाव भाव से हरकत करते हैं, क्योंकि सांप जन्मजात बहरे होते हैं, इनको कान नहीं होते। दोस्तों सांप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते और ना ही वो आंखें झपका सकते, इसलिए वो खुली आंखों के साथ ही सोते है। दोस्तों कनाडा के मिनीटोबा प्रांत में हर साल 30,000 गार्टर सांप शीतल निद्रा के बाद मीटिंग यानी संभोग क्रिया के लिए इकट्ठा होते हैं। यह धरती पर होने वाली सबसे बड़ी सामूहिक सेक्स क्रिया है। दोस्तों मैं आपको एक घटना के बारे में बताता हूँ। सन 2012 में एक नेपाल के किसान मोहम्मद सलमुद्दीन को एक कोबरा ने काट लिया। किसान ने गुस्से में कोबरा को काट लिया जिससे कोबरा वही मर गया, लेकिन किसान अपने काम पर चला गया। उस पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।